हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसके लिए जो फॉर्मूला है उसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको जो ये वीडियो है ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसके अंदर कोई वेक्टर एल है। तो इसके अंदर अब हम dl वेक्टर का इंक्रीमेंट करते हैं। तो जो dl वेक्टर आएगा वो हमारा इक्वल टू आएगा dr r कैप प्लस r d phi phi कैप प्लस dz z कैप। यहाँ पर ये dl वेक्टर का फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा ये मैंने अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले वीडियो के अंदर समझा रखा है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार जरूर देखिएगा। अब हम यहाँ पे dv की वैल्यू निकालते हैं। तो dv होगा आपका स्मॉल वॉल्यूम के अंदर चेंज, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका, हम इन तीनों डायमेंशन में चेंज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका r डी आर डी फाई डी जेड। यहाँ पर कोई भी फाई केप r केप और जेड केप की टर्म नहीं आएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हमको यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम इसका यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन पर ये हो जाएगा v और ये इक्वल टू हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन r डी आर डी फाई डी जेड। यहाँ पर जो r की लिमिट है वो होगी 0 टू r, जो फाई है उसकी लिमिट होगी 0 टू 2 पाई और जो z है आपका उसकी लिमिट होगी 0 टू h। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू h इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और जो ये r है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट है 0 टू r और ये आ जाएगा d phi d z। ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू h इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ये r स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूँ r स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आएगा d phi d z। ये इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू एच डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई और इसकी जो लिमिट है वो है 0 टू 2 पाई डी जेड। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू एच डी जेड। तो डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा z और उसकी लिमिट आपकी 0 टू h, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका h के। तो ये इक्वल टू आ गया आपका r स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई इंटू h। तो जो इससे आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम आया वो आ गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर ये हमने जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला डेराइव कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।